students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 11, patterns. In previous video, I had explained you exercise 11.2. In today's video, I am going to explain you exercise 11.3. So let's start. Your question is, tick the patterns that are tying patterns. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टाइलिंग पैटर्न्स क्या होते हैं. बेटे आप सबने देखा होगा कि आपके घरों में जो फ्लोर है उसके ऊपर कुछ टाइल्स लगी हैं, ठीक है. सेम इन द वे आप कहां पर देख सकते हो, स्कूल में आप सब आते हो, ठीक है. तो स्कूल में भी आपने देखा होगा कि टाइलिंग्स लगी है, टाइल्स लगी हुई है, ठीक है. और उनके अंदर कोई ना कोई हमें पैटर्न मिलता है. तो टाइलिंग पैटर्न क्या होता है, हम जब फ्लोर को कवर कर रहे हैं तो वो टाइलिंग पूरे में लगेगी, कहीं पर भी गैप नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड द टाइलिंग पैटर्न. मींस जो हम टाइलिंग लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो पूरी फ्लोर पर होगी और उसमें कहीं पर भी गैप नहीं होता है, ठीक है. तो अगर गैप नहीं आएगा तो वो टाइलिंग पैटर्न है, अदरवाइज अगर उसमें गैप आ रहा है तो उसको हम टाइलिंग पैटर्न नहीं कहते, ठीक है. तो हमें टिक करना है इस पैटर्न को देखकर कि ये टाइलिंग पैटर्न हो सकता है या नहीं. तो हमारा ए पार्ट है, दिस इज योर पैटर्न, आपको एक पैटर्न दे रखा है. अब इसके अंदर अगर हम चेक करें तो देखो हमारा ये एक टाइल होगी आपकी सर्कल शेप की, दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे आपके पास ये टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है. और इनकी शेप कौन सी है, सर्कल. बट यहां पर अगर हम देखें तो आपका गैप आ रहा है इनके बीच में. और अभी मैंने आपको क्या बोला था कि अगर टाइलिंग के बीच में गैप आ जाए तो इट मीन्स वो टाइलिंग पैटर्न नहीं बन रहा है हमारा, क्योंकि हम फ्लोर में गैप में तो नहीं लगाएंगे ना. गैप तो फिल्ड होता है आपका, पूरी फ्लोर कवर होती है, ठीक है. सो इसका आंसर आपका टिक द पैटर्न डेटा टाइलिंग पैटर्न. अब ये आपका नहीं है तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, क्रॉस पुट, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट ये है, इसमें आप देखो ये पूरी फर्स्ट टाइल, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही हम इसको आगे फर्दर ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक अगर हम इसको आगे ड्रॉ करें तो ये ऐसा और ड्रॉ होगा लाइक दिस, ठीक है. फिर यहां से हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपका कहीं पर भी आपको गैप नहीं नजर आ रहा, कहीं पर भी कोई गैप नहीं है. सो इट मीन्स दिस इज द करेक्ट टाइलिंग पैटर्न, ठीक है. आई होप यू गॉट द क्वेश्चन वन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन थ्री. जो आपका क्वेश्चन टू है बेटे, दैट इज पैटर्न आपकी बुक में बने हुए हैं, आपको सिर्फ उनको कलरिंग करनी है, ठीक है. तो कलरिंग आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हो, कोई भी कलर यूज करके और उनको फिल कर सकते हो, ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन थ्री, विच ऑफ दीज शेप्स कैन बी यूज्ड इन टाइलिंग पैटर्न्स. हमारे पास कुछ शेप्स दे रखी हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी शेप्स हम टाइलिंग पैटर्न में यूज कर सकते हैं. तो टाइलिंग पैटर्न मैंने अभी आपको बताया था, ऐसी पैटर्न या ऐसी शेप्स जिनको हम कंटिन्यूस जब लगाएं तो उसके अंदर कोई भी गैप नहीं आना चाहिए. अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर हम ये पैटर्न यूज कर रहे हैं तो आप देखो आपका कैसे ड्रॉ होगा, ये लाइक दिस आई हैव ड्रॉन, ठीक है. तो ये मेरी हो गई फर्स्ट टाइम. अब इसके साथ नेक्स्ट लगाएंगे हम तो आपके पास इस तरह से शेप आएगी. ठीक है, अब इसको हम चेक करें तो देखो आपका गैप आ रहा है यहां पर, क्योंकि दूसरी अगर मैं टाइल बनाऊंगी तो वो यहां पर बनेगी. अब गैप आ गया तो मींस ये पैटर्न आपका टाइलिंग पैटर्न में नहीं यूज हो सकता है. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, नो. ठीक है, नेक्स्ट हम डी पार्ट पर आते हैं. डी पार्ट में आपके पास ये प्लस का साइन दे रखा है, ठीक है. इसका अगर हम पैटर्न बनाएं तो आप अभी चेक करेंगे कि ये टाइलिंग में आ सकता है या नहीं, ठीक है. ये फर्स्ट, इसके साथ हम नेक्स्ट टाइल बनाएंगे लाइक दिस, फिर उससे नेक्स्ट बनाई हमने, ठीक है. ऐसे ही आप यहां से बना सकते हो इसको. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके टाइलिंग पैटर्न में गैप नहीं आ रहा है कहीं पर भी गैप नहीं नजर आ रहा ना हमें. तो इट मींस ये जब हम फ्लोर पर लगाएंगे टाइलिंग पैटर्न, अगर हम इसका बनाएंगे तो इट मींस हमारा कहीं पर गैप नहीं है, तो ये हमारा शेप टाइलिंग पैटर्न में यूज हो सकती है. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यस, ठीक है. इसी तरीके से जो आपको इसके बी और सी पार्ट है उसमें टू थ्री फिगर्स आगे ऐसे कंटिन्यूस में बनाकर देखनी है
अगर उनके अंदर गैप नहीं आएगा तो आपको यस लिखना है, अगर उसके अंदर गैप आ रहा है तो नो लिखना है, क्योंकि वो टाइलिंग पैटर्न में यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो यू कैन सॉल्व रेस्ट ऑफ द पार्ट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।